स्टूडेंट आई एम सीताराम करार चलो आज हम मैथमेटिक्स के बारे में देखेंगे यहाँ पे देखो वन टू थ्री फोर फाइव ये पांच स्टूडेंट हैं जिनके पास मैं अभी कुछ चीज़ देने वाला हूँ जैसे कि ये बलूनस है सी इसके पास कितने हैं फर्स्ट वाले के पास तो हम आप काउंट करो मैं आपको नहीं बाद में बताऊंगा तब तक आप काउंट करते रहो चलो ओके ये देखो ये बलून्स यहाँ पे हमने सभी के पास दे दिए देखो आप क्या किया मैंने पांच स्टूडेंट के पास ये बलून्स अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है जिसमें देखना है आपको किसके पास कितने बलून्स है ओके okay. किसके पास कितने बलून्स है वो देखेंगे अब हम फर्स्ट वाले के पास कितने देखेंगे टू टू फोर टू एंड दिस टू मीन्स हाउ मेनी एट बलून्स सी हाउ मेनी एट बलून्स रेड कलर विच कलर रेड कलर नाउ नेक्स्ट विल गो चलो हम दूसरे के पास जाएंगे उसके पास कितने हैं वो देखेंगे इसके पास कितने हैं सिक्स कौन सा कलर है ये ब्लू कलर सॉरी येलो कलर कौन सा कलर है ये येलो कलर अब ये दोनों के पास हो गए अभी तीसरे के पास जाएंगे अभी देखो यहाँ पे इसके पास कितने हैं वन टू थ्री फोर कितने है? फोर तो हम तीसरे के पास से भी आगे जाएंगे अभी फोर्थ नंबर जो जिसके पास है उसके पास जाएंगे ओके इसके पास कितने हैं वन टू थ्री फोर कितने हैं फोर वाह इसके पास भी फोर हो गए तब अब लास्ट जो बचा है हमारे पास पाँच नंबर का स्टूडेंट उसके पास जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट हाउ मेनी एट तो हम आपके सभी स्टूडेंट के पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ सभी के पास बलून मिल गए यहाँ पे देखो मिल गए तो हम क्या करेंगे अभी कुछ स्टूडेंट के पास के बलून एक जगह पे करेंगे कहाँ पे करेंगे एक जगह देखो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट और थर्ड के बलून एक साथ कलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितने आ जाएंगे ये हम देखेंगे फर्स्ट वाले के पास कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने हो गए फर्स्ट वाले के पास एट अभी मैं जो थर्ड वाला स्टूडेंट है इसके बलून इसमें मिलाता हूँ एट इन टेन इलेवन ट्वेल्व कितने हो गए यहाँ पे ट्वेल्व किस किस के मिला के ये कौन से स्टूडेंट के मिला के कौन से फर्स्ट और थर्ड ये दोनों की मिला के कितने हो गए यहाँ पे जो बोलून हमने काउंट किए थे फर्स्ट वाले के पास कितने थे नीचे देखो कितने थे एट और जो थर्ड स्टूडेंट है अपना इसके पास बच्चे के पास कितने थे फोर कुल मिला के कितने हुए ट्वेल्व बलून्स ओके तो उसके बाद हम देखेंगे सेकंड और फिफ्थ के बारे में कौन से देखना है सेकंड कौन सा कलर है येलो कलर और फिफ्थ के पास कौन सा है ऑरेंज कलर तो हम इनके बारे में देखेंगे देखो चलो सेकंड पास पहले कितने थे देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कितने हो गए ये सिक्स और इसके पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट पाँच जो पाँचवा स्टूडेंट है उसके पास कितने हैं एट जो सेकंड वाला है उसके पास है सिक्स तो हम क्या करेंगे जो सेकंड प्लस पाँच फिफ्थ इन दोनों का हमें एडिशन करना है तो क्या आएगा देखो सेकंड वाले के पास कितने हैं सिक्स और फिफ्थ वाले के पास कितने हैं एट तो क्या आ जाएगा देखेंगे एट यहां पे रखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाउ आई गोइंग टू एड आई एम गोइंग टू एड सेकेंड स्टूडेंट्स बलून्स नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन कितने हुए सब ये मिला के फोर्टीन अभी बचा सिर्फ एक ही कौन सा बचा ये फोर्थ वाला जिसके पास कितने हैं फोर तो हम क्या करेंगे ये जो फोर है हम फर्स्ट और थर्ड में मिलाएंगे जो हमने फर्स्ट और थर्ड में मिलाए थे यहाँ पे तो उसके साथ देखो ये ट्वेल्थ है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन यहाँ पे अगर फोर मिला दे तो कितने आ गए ये सिक्सटीन यानी कि ये सब मिला के हमारे पास ये हो गया ओके इस ये जो हमने गेम खेला है इस पर आपको क्या समझ में आता है हम क्या कर रहे थे कुछ समझ में आ रहा है चलो मैं बताऊंगा आज हम जो कर रहे थे उसका नाम है एडिशन उसका नाम क्या है एडिशन मीन्स एडिशन वी कैन डू

बलून चाहिए ओके तो क्या करेंगे हम यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊँगा ओके अब फर्स्ट वाले के पास येलो कलर बलून्स आई वांट सिक्स और सेकंड वाले के पास रेड कलर के बलून मुझे चाहिए फोर कौन से कलर के देखो फर्स्ट वाले के पास येलो कलर के सिक्स चाहिए और सेकंड वाले के पास रेड कलर के फोर तो चलो हम यहाँ पे देखेंगे येलो कलर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मिल गई दिस इज द येलो कलर नाउ वी हैव टू टेक अबाउट द रेड कलर चलो यहाँ पे देखेंगे वन टू

ये दोनों को ऐड करना है तो कितने आ जाएंगे सिंपल सी बात है सिक्स प्लस फोर क्या आएगा हम ऐसे भी ऐड कर सकते हैं ये दोनों को सिक्स प्लस फोर तो इसका क्या आ जाएगा रिजल्ट टेन तो हमारे पास कितने बलून्स हो गए दोनों कलर मिला के टेन लाइक दिस यू कैन सॉल्व ऑल दी एडिशंस ऑफ एनी नंबर कैन यू सॉल्व यस will solve all these things now with the help of this example you can easily understand what is meant by addition how calculate the addition of any number okay student now next video we will see next topic